प्लानिंग आपसे समझना चाहेंगे दो काउंटर्स के बारे में। क्विकली अपना टेक जोमैटो और पेटीएम पे दीजिए। जोमैटो इसलिए क्योंकि नंबर्स फिर से अच्छे आए, पर जो वैल्यूएशन मिल रहा है जोमैटो को, क्या आपको लगता है अब जो 200 के ऊपर के लेवल्स हैं ये रहने चाहिए? और साथ ही कुछ करार की खबरें भी आ रही थी जोमैटो और पेटीएम के बीच में, और पेटीएम में हमने देखा है किस तरीके की गिरावट है, तो क्या आपका भरोसा पेटीएम पे अब आ रहा है या अभी भी अवॉइड में है? तो सृष्टि गुड मॉर्निंग। और पहली चीज तो ऐसे डिस्क्लोजर, पेटीएम मेरे पर्सनल होल्डिंग में है और मुझे ध्यान है ये करीबन जब 320 350 गिरा था उस लेवल पे मैंने कॉन्ट्रेरियन बाई दिया था और अभी भी होल्डिंग में है। तो कंपनी ऐसी है कि कई बार इन्होंने री इन्वेंट किया है, इनफैक्ट ये तीसरी बार ये लोग री इन्वेंट करने वाले हैं खुद को। तो पहले भी 2 बार इश्यूज आए थे कंपनी में और कंपनी वापस स्टेबल हुई थी और इस बार वापस इश्यू आके अब वापस स्टेबल हो रही है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अब मेरे पास पर्सनल होल्डिंग है इसके लिए मुझे लगता है कि अच्छा ही करेगा अभी भी और आगे चल के एक वन ऑफ दी मतलब यूनिक कंपनीज है जहां पे आपको लगेगा कि आगे चल के मतलब ये फिर से 700 750 जा सकते हैं क्या, ये तो मुझे लगता है कि हाँ पॉसिबिलिटी है। अब जो करार किया है जोमेटो और पेटीएम में, जोमेटो लेना चाह रहा है पेटीएम का मूवी बिजनेस, क्योंकि आप को दिखेगा कि आप मूवीज भी बुक कर सकते हो, वो लेना चाह रहे हैं। अब जोमेटो ऐसा होल इस पे भी मेरा भाई कॉल दिया हुआ था कि ऐसे डिस्क्लोजर हाल ही में हमने प्रॉफिट भी बुक किया क्योंकि काफी बढ़ चुका है स्टॉक, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए मुझे लगता है कि अच्छा ही करने वाला है जोमेटो, जैसे जैसे प्रॉफिट आपको और ज्यादा देखने को मिलेगा। और जहां तक ये मूवी बिजनेस खरीदने का सवाल है, देखिए अब ये वेट करके देखना पड़ेगा कि तो इसको कैसे चलाते हैं, क्योंकि एकदम टोटली बिजनेस से हटके दूसरी डायरेक्शन में ये लोग जाना चाह रहे हैं। तो अब ब्लिंकिट में भी ऐसे ही हुआ था, जब ब्लिंकिट जोमेटो ने लिया था तो काफी क्वेश्चन मार्क्स थे, लेकिन ब्लिंकिट आज के दिन अच्छा चल रहा है। अब मूवी बिजनेस ले रहे हैं तो वापस क्वेश्चन मार्क है, अब ये आगे चल के अच्छा करेगा नहीं करेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हाँ ओवरऑल कंपनी फिर भी अच्छी लग रही है। जोमैटो आज देखिए एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत की भी तैयारी कर रहा है, 4% की तेज़ी फिलहाल तो दिखा रहा है, और पेटीएम पे भी नज़र रखें। विवेक ने अपना डिस्क्लोजर भी दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए विवेक। पर एक और काउंटर जिस पे क्विकली संतोष आपसे समझना चाहेंगे वो है टाटा स्टील। यहाँ पे भी शरद जैसा बता रहे थे कि इन्वेस्टिक का एक डाउनग्रेड आया है, तो टाटा स्टील की जब हम बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टिक का एक डाउनग्रेड आया है, 1% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट है। संतोष क्या लगता है टाटा स्टील और कितना कमज़ोर हो सकता है? कल मैनेजमेंट की कमेंट्री भी कुछ खास नहीं रही। ये स्टॉक में अंडर अंडर प्रेशर में है। कल भी इसने 20 डे मूविंग एवरेज को रिजेक्ट किया, चांसेस है कि अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज तक विजिट कर सकता है जो करीबन 150 रुपए के आसपास आएगा, तो हमें यहाँ से और शायद 10 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो व्यू अभी फिलहाल के लिए बेरिश है।